24वीं कहानी यहुन्ना यीशुस बपतिस्मा दिच। इलिशिबा और जकरिया चुल यहुन्ना ठूल हुवरेन एक भविष्यवक्ता बन गयो। ऊ जंगल में रूंच और जंगल में मौ और टिड्डी खाँचू और ऊँटाक बालून का बनीना कपड़ पहनचो। बहुत लोग यहुन्ना की बात उन सुनुन खिन जंगल में आयन और यहुन्ना यो कैबरन उन प्रसार कर छे पश्चाताप करा क्या खिन की स्वर्गो राज्य नजीक छे। जब लोगुन ले यहुन्ना की बात सुन छे तो उनुन में बटे बहुत लोगुन ले अपन पापुन बटे पश्चाताप कर छे और यहुन्ना ले उनुन बपतिस्मा दीस। और यहुन्ना देखुन किन बहुत धर्म गुरु ला आयन लेकिन उनुन ले अपन पापुन को पश्चाताप न करियो। यहुन्ना धर्म गुरुन थे क्योच हे जहरीले सांपो पश्चाताप करा और अपन व्यवहारस बदला परमेश्वर हरेक ऊ रूखस काट डालोल जो निक फल न लोन और ऊ उनुन आग में झोंक देल जो भविष्यवक्तान ले कैनाक छो। यहुन्ना ऊस पुर कर छे देख जल्दी ही मैं तेर हगिल अपन संदेश दिन वालास भेजुन जो तेखिन बाट तैयार करोल। कुछ धर्म गुरुन ले यहुन्ना थे पूछे क्या ते मसीह छे। यहुन्ना जवाब दीज मैं मसीह हातिनू लेकिन ऊ मेर बाद आल ऊ इतुक महान छे कि मैं ऊ जूता फित्ता खोलून लायक लन हातिनू। दूसर दिन यीशु बपतिस्मा लेन किन यहुन्ना के पास आज तब यहुन्ना ऊस देख छे तो ऊल क्योच देखा परमेश्वर मेमना जो संसारक पापुन उठाए भरन ले जाचू। यहुन्ना यीशु था क्योच मैं तेस बपतिस्मा दिन लायक उग नहातिनू बल्कि जरूरत छे कि तय मैं बपतिस्मा दे। यीशु क्योच तैल मैं बपतिस्मा दिन चैच किले की यही सही काम छे। तब यहुन्ना बपतिस्मा दीज जबकि यीशु कभी पाप नहीं करी नाक छो। बपतिस्मा दिन बखत यीशु पानी भटे निकल भेन बिहार आज तब परमेश्वर का आत्मा कबूतराक रूप में उमे प्रगट भ्योच और आभ्रन उमे बैठ गयो। उई बखत परमेश्वर स्वर्ग भटे बात कर छे और क्योच यो मेरो चुल छे मैं यह प्रेम कर छूं और मैं यह बहुत खुश छूं। परमेश्वर यहुन्ना थे कई नाक छो जब तक बपतिस्मा देले और जय में पवित्र आत्मा उतरोल उई परमेश्वर चोल होल। लेकिन जब यहुन्ना यीशु बपतिस्मा दीज तो उल परमेश्वर पिता की बातस करुण सुन छे और परमेश्वर चलास देख छे जो कि यीशु छे और उल पवित्र आत्मास देख छे।